हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और भारत में वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत होती है और व्रज में होली के त्यौहार की भी शुरुआत आज ही होती है। आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान को पीले रंग के वस्त्र आभूषण और फूलों से सुशोभित किया जाता है और आज ही के दिन भगवान को केसर से बने और पीले रंग के विविध व्यंजन भोग अर्पण किए जाते हैं। आज वसंत पंचमी के दिन हम भगवान के लिए बीरंज का भोग बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कप बासमती राइस लिया है और इसे हम पानी से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, मैंने पहले ही चावल को भिगोकर रख दिया था। अब बीरंज बनाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 बादाम को छोटा छोटा काट लिया है, 8 से 9 काजू लिए हैं और 3 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट को बारीक बारीक काट लिया है और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। उसी में हम 1 चम्मच रेसिन्स डालेंगे और इसे फूलने देंगे। रेसिन्स को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए हम आखिर में डालते हैं। यह भी तैयार है, फूल गई है। हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। अब हम इसमें 3 लौंग, 3 इलायची, 1 फूल चक्र, 2 दालचीनी के टुकड़े और जो हमने चावल भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल कर वह चावल हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए उसे सौते होने देंगे। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी मिलाएंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल जो है वह टूट ना जाए और 7 से 8 केसर के रेसे को मैंने 1/4 कप दूध में 1/2 आवर पहले ही भिगो कर रख दिया था और वह हम इसमें मिलाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और कलर भी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गई है, आइए हम चेक करते हैं। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ऐसे बीच में चेक करने से चावल जो है वह नीचे चिपकेंगे नहीं और भी हम 10 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। 10 मिनट हो गई है, हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो चावल है वह अच्छे से पक गए हैं। हल्के हाथों से ही मिक्स करना है।
अब हम इसमें आधा कप शक्कर डालेंगे और यहाँ पर मैंने जायफल लिया है नटमेग, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा ही डालना है, एक चुटकी भर जितना, ज़्यादा नहीं डालना है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, तो हम थोड़ा सा डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर को हम पिघलने देंगे और सारे फ्लेवर मिल जाएंगे, इसीलिए 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गई है, हम मिक्स कर लेंगे। हमारे राइस, शक्कर सब कुछ अच्छे से घुल गया है, मिक्स हो गया है और यह रेडी है। यह थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और भी खिले खिले हो जाएंगे राइस। अब हमने जो फ्राई करके रखे थे कोकोनट और काजू बादाम, वह सब हम डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा। और मिक्स कर लेंगे, स्टोव को बंद कर देंगे। हमारा बिरंज तैयार है, जिसके ऊपर हम तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। वसंत पंचमी स्पेशल बिरंज भगवान को भोग लगाकर तैयार है, आप भी आज जरूर बनाइए और भगवान जी को अर्पण कीजिए। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।